नमस्कार दोस्तों, आज 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर के क्या कुछ रेट है। चलिए जानते हैं हिमांशु भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला भाई साहब। सो आज तो बहुत मूड ऑफ हो रहा है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। भाई साहब जी अकेले ही बैठे? अकेले बैठे हैं राणा जी। एक तो मंडी में आज थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, जिस करके जो है ग्राहक थोड़ा कम आ रहा है। माल अभी कम है जी मंडी में इस समय? नहीं, माल अभी कम नहीं है। आपको माल ऐसे कम लग रहा है कि माल नीचे उतरे हुए आपको नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी। जैसे हमारा माल होता था, मैं नीचे से लेके देखो उस कोने से लेके नीचे तक उतार देता था। हाँ जी। तो माल उसमें लगता था कि ज्यादा है। अच्छा जी। आज जो माल है हमने नीचे नहीं उतारा। अच्छा, गाड़ियों में माल देखो गाड़ी के अंदर ही पड़ा है। अच्छा जी। और अगर बिक्री की बात करें, हाँ जी, तो सुबह से अभी तक एक क्रेट की बोनी नहीं करी। अच्छा जी। सुबह 5 बजे के आए हुए हैं, ग्राहक नहीं है मंडी में, तो माल बिकेगा कहाँ से? ये कहाँ वाले माल है जी? ये राणा जी गढ़गंगा के टमाटर हैं। इनको कौन दे रहा है गढ़गंगा वालों को? इनका सीजन जारी है जी भाई। सीजन जारी है, लेकिन अब टमाटर में चमक देखो, शाइनिंग देखो, माल मोटा देखो कितना है अभी। अब ये चल रहा है, ये लाडवा चल रहा है ना जी इसका? लाडवा चल रहा है, तो लाडवा भी कहाँ बिक रहा है राणा जी? चलो कुछ तो बिक रहा, थोड़ा बहुत जो बिक रहा है। जो असली ग्राहकी चलेगी आज चलेगी 8 बजे के बाद। अच्छा जी। क्योंकि अब ग्राहक को, हर ग्राहक को पता है कि माल तो टमाटर में मंडी में जाएंगे, माल टमाटर तो दोपहर को 2 बजे भी मिल जाएगा। अच्छा जी। अब ग्राहक अपनी पूरी नींद लेके सुबह आराम से आ रहा है। अच्छा जी। और लाडवे वाली गाड़ियां भी अभी आ रही हैं? हाँ, लाडवा की गाड़ियां कुछ अभी ऐसे आ रही हैं, 2-4 गाड़ियां जाम में थी। अच्छा जी। तो जाम लगने की वजह से गाड़ियां जो है अभी फड़ पे नहीं लग पाई, तो अब वो गाड़ियां इस टाइम आ रही हैं। आज वैसे क्या रेट खुल रहा, क्या मांग रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? हम तो 150 रुपए का मांग रहे हैं। अच्छा जी। बाकी जो बिक जाए। अच्छा जी। कंडीशन बड़ी खराब है, अब आपको आइए आपको चल के दिखाते हैं टमाटर लाडवा का भी। अच्छा, अब लाडवा की बात करें, आप एक बार गढ़गंगा की पहले चमक देखिए। हाँ जी। इस टमाटर की आप चमक देखिए, कितनी शाइनिंग टमाटर है। अभी नए टमाटर चले हैं अभी ये वाले। ये बिल्कुल जी ऐसा हो गया राणा जी। हाँ जी। ये टमाटर जो होता है, किसान जो पहले लगाता था एक फसल लगाता था। अच्छा जी। अब लगाता है अगेता और पीछेता। अच्छा जी। जो अगेता का टमाटर था वो सब खत्म हो चुका है, ये पीछे से नए चले हुए टमाटर हैं। इनको अभी चले हुए मुश्किल से मुश्किल अभी 10-12 दिन हुए हैं। और कितने दिन चलेगा जी? है आपका लाडवा खत्म हो जाएगा, लेकिन गढ़गंगा खत्म नहीं होगा। ओ थरी वाह, इतना टमाटर लगा हुआ है। यानी नए नए इलाके शुरू हो रही है अभी? नए नए इलाके शुरू हो रहे हैं। अच्छा जी। अब ये टमाटर देखिए, अब आप इसे कहोगे आप पुराना टमाटर है? हाँ जी। आप इसे पुराना बोलोगे नया बोलोगे? नया पड़ा जी भाई साहब, ये बिल्कुल नए टमाटर। अभी तो लाट आपको दिखाई नहीं गाड़ी के अंदर, आज 3 लाट तो ऐसे आए हैं जो बिल्कुल टमाटर आज दूसरा तोड़ी हुआ उनका। अच्छा जी। और इनका इलाका कितना बड़ा है भाई जो गढ़गंगा वाला? तो नाम होता है राणा जी गढ़गंगा, लेकिन टमाटर ये होता है ना, गढ़गंगा से लेके समझ लो गढ़ मुक्तेश्वर से लेके ब्रिज घाट से लेके आप चलोगे तो ये टमाटर बुलंदशहर क्षेत्र भी पार करता है। अच्छा जी। इतने बड़े क्षेत्र में टमाटर लगा हुआ है, यानी यहाँ से जैसे करनाल से लेकर रादौर तक का एरिया चला गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना बड़ा लाडवा भी आ गया, इंद्री भी आ गया, करनाल भी आ गया, रादौर भी, इससे भी बड़ा इलाका है जी। इतना ही बड़ा इलाका है। अच्छा जी। ये गढ़गंगा वाले जो है दिल्ली कमाते हैं। अच्छा जी। ये चलते हैं रुड़की, ज्वालापुर, देहरादून, ये उत्तराखंड लाइन में। अच्छा जी। अच्छा, ये बस दिल्ली आते हैं तो आजादपुर मंडी आएंगे तो 1-2 गाड़ी, अगर जाएंगे गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में जाएंगी 5-7 गाड़ी। अच्छा, यानी जहाँ रेट हो है तुरंत आने के लिए तैयार है जी? ये आने के लिए तैयार है। अभी हमारे किसानों ने आज 400 के टमाटर तोड़ा है। अच्छा जी। किसान इतना परेशान है, वो ये बोल रहा है कि टमाटर अगर हमारा 150 रुपए का भी आज की तरह बिक जाए, हाँ जी, तो सुबह आप यहाँ पे 5 गाड़ी ले लेना, इतना टमाटर खेतों में तैयार पड़ा है। लाल हो गया जी, लाल हो गया। ये टमाटर जो है ये यूपी का टमाटर है, इनको ये भी यूपी में नया एरिया चला है। ये कौन सा इलाका है जी भाई? ये मेरठ के पास टमाटर चालू हुआ है, ये वहाँ का टमाटर आया। ये नया हिमसोना जी इनका? नया हिमसोना। पहले भी लगता था, पहली बार लगाया जी? नहीं, पहले भी टमाटर लगता था, लेकिन ये लोग दिल्ली नहीं आते थे। अच्छा जी। इनको वही रेट मिल जाता था। ये अब की बार सारी मंडियां डाउन है, तो दिल्ली सारी मंडियां डाउन है। आप ये देख लीजिए चारों तरफ जो है लोकल टमाटर चल रहा है। अच्छा जी। अभी दिल्ली के आसपास ही लोकल हिमसोना इतना चल रहा है कि बवाना एरिया का हो गया और इधर उधर का जमुना का हो गया टमाटर, तो जितना भी लोकल ग्राहक है, हाँ जी, 70% ग्राहक जो है अपना खेतों में जा रहा है और वहाँ से भर के आ रहा है। अच्छा जी। ग्राहक सीधे यानी मंडी माने की बजाय अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं और वहीं से भर लाते हैं। हमारे वहाँ भी होता था चंडीगढ़ में, देहरादून में, जो उनसे बड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो लाडवा के अंदर है जो है कई चंडीगढ़ के ग्राहक हैं।
हाँ जी हाँ, वो डायरेक्ट अपने 100-150 ग्रेड जो जिनकी लागत है, किसान मंडियों के ग्राहक है ना, जिनकी अपनी 100-150 ग्रेड की रोज की लागत है, मंडी के ग्राहक है, वो सारे जो टमाटर हैं अपने पिकअप करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से खरीद के ले आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब किसान खुद ही खेतों में जाने लगेगा तो आपकी मंडी में भी तो एक दो आड़ती है, उसी गैंग का आड़ती, यहाँ पर आड़ती बन गई जी। हाँ कही है ऐसे जो अपना खेतों में जाते हैं, जिनकी अपनी डिमांड है जी। चलो बढ़िया जी, डिमांड होनी चाहिए, लेकिन उससे सारा फर्क पड़ रहा है आड़तियों पे और किसान भाइयों पे भी फर्क बहुत पड़ रहा है उससे, और जो मंडी में जा रहे हैं यहाँ पर जी। मंडी के अंदर देखो, यहाँ पे आएगा तो हम उसको टमाटर जो है ग्राहक को हम यहाँ देने की जगह वो खेतों में ले लेगा, तो मंडी में ग्राहक की कमी रहेगी नहीं, ये तो बात है जी, बाकी बात। दूसरा, हर क्षेत्र में लोकल टमाटर है, आप यूपी चले जाओ तो यूपी लोकल, हरियाणा चले जाओ हरियाणा लोकल, पंजाब चले जाओ तो पंजाब लोकल। तो पंजाब भी अमृतसर चल गया जी अब तो? बिल्कुल जी बिल्कुल, अमृतसर चल गया, कपूरथला चल गया, इधर फरीदकोट जो है पिछले 10 दिन से चल ही रहा है। आपने कभी अमृतसर का काम किया है? जी अमृतसर का काम बहुत किया है। हाँ जी, पहले जो था अमृतसर का टमाटर चलता था तो उसकी डिमांड रहती थी, बाहर गोरखपुर साइड टमाटर बहुत जाता था। अच्छा, गोरखपुर बनारस इस साइड बहुत डिमांड रहती थी। अच्छा जी, अब वहीं पे लोकल है तो कहाँ से टमाटर जाएगा। अच्छा जी, पिछले साल जो था यहाँ से टमाटर औरंगाबाद जा रहा था। हाँ जी हाँ जी, और आपका गुजरात जा रहा था, इंदौर जा रहा था, तो 1200 की क्रेट हो गई थी। तो अब की बार जो है औरंगाबाद में ही लोकल चल रहा है, बेंगलोर में पिछले साल टमाटर नहीं था, इस साल बेंगलोर में लोकल चल रहा है, ये हैदराबाद साइड जो हो गई, तेलंगाना साइड हो गई, और आपकी आंध्रा हो गई, ये सबको पूर्ति कर रहा है बेंगलोर। ये पिछले साल की जो 1000 की क्रेट भी गई ना, 1200 की, उसी कारण ये सबने ज्यादा नहीं नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, जो आप सोच लो कि किसानों ने टमाटर ज्यादा लगाया उससे फर्क नहीं पड़ा। और कहाँ से पड़ा ये फर्क? ऐसे पड़ा है कि जैसे पिछले साल बाहर की साउथ की डिमांड थी। हाँ जी, अब साउथ वालों ने देखा, किसानों ने वहाँ पे, कि इस समय जो टमाटर है हमें दिल्ली से मंगाना पड़ता है। अच्छा जी, तो उन्होंने अपने पास ही वहीं पे लोकल पैदावार कर दिया। वो बरसाते हैं ना अब की बार, इन दिनों में तो वहाँ उनके पास चुत्तड़ धोने के लिए पानी नहीं होता था। पानी जाता था पहले, इस साल पानी की उनके कमी नहीं है। ट्रेन चलाई थी, क्या नाम था जी उसका, भूल गया जी। आई थी ट्रेन चलाई थी हमारे पानी वाली, लातूर पानी भेजा था, लातूर वगैरह कहा जाती थी वो। लेकिन अब की बार उनके पानी की कमी नहीं है, तालाब फूल है जी वहाँ तो, सारे तालाब फूल है जी बिल्कुल। आपको याद है कुछ साल पहले उन्होंने मेहमानों को भी कह दिया था, अभी जो हमारे घर मेहमान आना पानी लेके आना, अपना पानी था जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अब की बार वहाँ सर्दी, सारी सर्दी बरसात हो, किसानों को फोन करो तो वहाँ के किसान ये कह रहे हैं कि आगे की अगर 5 साल बारिश भी नहीं होती ना, तो जब भी हमारा 5 साल का कोटा पूरा है पानी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पानी की कोई कमी नहीं है। बाकी और 20 दिन में हिमाचल भी चल पड़ेगा, आ जाएगा 20 दिन में जी, 20 दिन में हिमाचल चल पड़ेगा। 20 दिन में कैसे आ जाएगा जी ये तो? जो आगे तक मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, किसानों ने जो है पहले फसल लगाते थे एक। अच्छा जी, अब वही किसान उस टमाटर को 3 बार में डिवाइड कर रहा है, आगे तक पीछे तक करके लगा रहा है। अच्छा जी, कुछ अगेता लगा हुआ है वो चालू हो जाएगा, जो पिछेता है वो महीने बाद चालू हो जाएगा। हाँ जी हाँ, पहली जून पे तो इनका लोकल चल जाता है, हिमाचल की डिमांड खत्म हो जाती है, सोलन वगैरह जो माल। अभी भी जो है हिमाचल की डिमांड खत्म हो चुकी है, पहली जून पे देहरादून की भी डिमांड खत्म, अपना ऊपर से आने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? अपने दुकान का एड्रेस है D384 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है 9267975760। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जान लेंगे भाई साहब के पास भी आज का टमाटर का क्या रेट चला है इनके पास, ये लाडवे वाली गाड़ी है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी, आज का क्या बाजार चला जी? हिम सोना जो जमीन वाला है जी, लाडवे का जमीन वाला 120-130-150, और जो तार बांस का है जी बढ़िया का 200-210-220। अच्छा जी, और इनका थोड़ा बहुत हाइब्रिड भी आ रहा जी? हाइब्रिड भी, हाइब्रिड बहुत हल्का आ रहा है जी, हाइब्रिड 100 रुपए का दिया। हाइब्रिड बढ़िया वाला नहीं है जी? बढ़िया नहीं, हल्का है, हाइब्रिड 100 रुपए का दिया। अच्छा जी अच्छा, यानी कोई उम्मीद सी नहीं हुई जी आज? कोई नहीं है, कोई तरक्की नहीं। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत। लो जी दोस्तों, यहाँ से भी ना ही मिली जी, कुछ नहीं मिला, ताऊ बढ़िया जी अपना बीड़ी तो फिरे कम से कम। लो जी, जानते हैं प्रवीण भाई साहब, नमस्कार सर जी। भाई जी क्या हाल है? बढ़िया जी बाबू जी, आज का जी कैसा बाजार जी? जमीन वाला है जी तो? हाँ जमीन वाला है भाई। अच्छा जी, 120-130 और जो तारबांस वाला 160-170। और जो आपको एक किसान आ रहा था पहले, वो जो वीरांग टमाटर लेगा, वो अब नहीं आ रहा, मना कर रखा वो तो ने बड़ी ऊंची ऊंची छलांगा लगाई जी उसने तो। अरे उसने तो बहुत बढ़िया लगाई थी, आज भी उसकी गाड़ी टूट गई है लेकिन मना कर रखा। अच्छा, कहाँ बेच रहा जी वो? वो इस टाइम बेच रहा है, डबुआ बेच रहा है, उसका 200 रुपए बिक रहा है डबुआ। तो उसको बढ़िया जी वहाँ दिल्ली का जूर जानने की? हाँ वो तो आज भी कह रहा था, मैं कहा बाजार ही नहीं, हाईब्रिड तो बिक ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो काम ही सारा सिस्टम सब खराब होगा? खराब हो रहा है सारा, ये चारों तरफ के चल गए जी।
बस जी ऐसे ही है। चलिए जी कोई बात नहीं, आएगा रेट, उम्मीद लगा के रखो जी। देखो उम्मीद तो लगा के, उम्मीद नहीं दुनिया का आया मैं। धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर MPJ D397, मोबाइल नंबर 9216615। बहुत बहुत शुक्रिया।